हेलो, मैं आपको स्वप्नावस्था, नॉक्टर्नल एमिशंस, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसमें होता क्या है, ये इसको स्वप्न दोष भी बोलते हैं, स्वप्नावस्था बोलते हैं, नॉक्टर्नल एमिशन बोलते हैं। ये अक्सर शादी के पहले होता है। इसमें होता क्या है कि देखो, अपने शरीर में, अपने बदन में रोज के रोज 12-13 साल के बाद में हर लड़के में वीर्य का तैयार होना शुरू हो जाता है। अब 12-13-14-15 जो भी उसकी उम्र होगी, उम्र में आने की या पुरुष बनने की या एडल्ट बनने की, उसके बाद में जैसे उसको मूछ आती है, दाढ़ी आती है, कान में मतलब बाल आते हैं और वो पुरुष बनना शुरू हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस है तो उसका आवाज बड़ा हो जाता है। तो समझना कि ये अभी जो लड़का है, लड़का ना रहे, पुरुष बन रहा है। तो अभी वीर्य तैयार होना, सीमेन तैयार होना, धातु तैयार होना शुरू हो जाता है। तो वो तैयार होना शुरू होता है तो उसमें छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी अंदर थैलियां रहेगी, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। तो वो अंडकोश में, वो धातु तैयार होने के बाद में वो सेमिनल वेसिकल में जाके जमा हो जाता है। वहां और 2-3 ग्रंथियां रहती है, उसका भी स्त्राव उसमें मिल जाता है। और वो स्त्राव मिलने के बाद में वो सेमिनल वेसिकल्स पूरी भर जाती है। बनने के बाद में अभी होता गया कि अभी इसका वो मतलब थैलियां भरने के बाद में जाएगा कहां? तो सपने में जब कोई ऐसे सपने आते हैं, मतलब नींद में ऐसे कोई सपने आते हैं, या कोई किसके साथ में, लड़की के साथ में है, या कोई ऐसे सपने, मतलब ऐसे सेक्स के विचार आते हैं, लैंगिक विचार आते हैं, तो उसमें लिंग में ताठरता आती है, शिश्न में ताठरता आती है, टेंशन आता है और उसमें वो धातु जो जमा रहता है, वीर्य जमा रहता है, वो बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं स्वप्नावस्था। मेरे पास में एक लड़का है, 17-18 साल का होगा, और वो इतना डाउन, इतना निराश, इतना डिप्रेस था। बोले मुझे बहुत गंभीर बीमारी हुई है, रोज के रोज मेरा मतलब जीवन ऐसा लग रहा है कि एक एक दिन में कैसे बिताऊं, और मुझे लगता है कि मैं खुदकुशी करूं। तो हुआ क्या? तो उसने बताया कि मुझे करीब करीब 1 दिन आड़ या 2 दिन आड़ सपने में वीर्य नाश होता है, गिरे जाते हैं। सो मैंने तपास लिया, उसका सब कुछ नॉर्मल था। फिर मैंने उसको पूरा बताना शुरू किया कि भाई ये वीर्य तैयार होता है, वो जाएगा कहां? शादी के बाद में जो है वो समागम करने के बाद में पत्नी के साथ में वो बाहर निकलता है। यदि कोई हस्त मैथुन करता है तो हस्त मैथुन से वीर्य बाहर निकलेगा। अभी पत्नी के साथ में भी शरीर सुख नहीं लिया है, हस्त मैथुन भी नहीं किया है, तो जो जमा जो वीर्य है बदन में और विचार जो आते हैं, तो विचार दिमाग में आना, मन में विचार आना, सबकॉन्शियस माइंड में विचार आना, और इधर थैली सेमिनल वेसिकल्स भरी हुई रहना, ये दोनों का जब एक साथ होता है तो उस समय फिर वीर्य बाहर निकल जाता है। मैंने उसको ये बताया कि भाई वीर्य का जो स्टॉक है, स्टोरेज, अंदर कोई कर नहीं सकता, तैयार तो रोज होता है, तो तैयार रोज होने के बाद में जाएंगा तो बाहर निकल नहीं है, तो वो नॉर्मल है। मगर उसको लोगों को ये समझता नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है यही जीवन है, वीर्य नाश जो है ये मृत्यु है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि एक बूंद यदि वीर्य का हम नाश करते हैं तो 80 बूंद खून की बराबरी का वो है, इसलिए कमजोरी आती है। तो इसके लिए फिर लोगों के दिमाग में जो रहता है, फिर अखबार में भी हम कुछ कुछ जाहिरात एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, फिर कोई आयुर्वेदिक दवाई है कि आपका वीर्य नाश हुआ हो, या आपको हस्त मैथुन की आदत हो तो हमारे पास में आइए, हम ये दवा देंगे, वो दवा देंगे और आपको ताकत पूरी आ जाएंगी, या जवानी के जवानी में जोश आपने गमाया हुआ हो तो हमारे पास में आइए, हम दवा देंगे। तो इस तरह का रहता है, इसमें कुछ करने का नहीं है। वीर्य नाश जो हो रहा है वो नॉर्मल है। ये तो कभी कभी क्या होता है कि सपने में भी होता है, और कभी कभी पेशाब करने के समय, यूरिन करने के समय भी उसमें ये धातु जो है वो मिल सकता है, मतलब मिक्सचर हो सकता है। और कभी कभी जो वीर्य है वो यूरिन में, मतलब पेशाब में यदि मिल गया तो पेशाब भी सफेद रंग की हो सकती है, उसको लगता है कि मेरे पेशाब में जा रहा है। कुछ कुछ लोगों को होता क्या है कि संडास जो है लैट्रिन, वो साफ होती नहीं, तो जोर लगा के कुछ लोग लैट्रिन करते हैं। जब जोर लगा के लैट्रिन करते हैं तो अंदर जो वीर्य की थैली है उसके ऊपर उसका प्रेशर आता है, दबाव आता है, और प्रेशर या दबाव आने के बाद में वो वीर्य बाहर निकलता है। उनका कि देखो मैं संडास को बैठा हूं, लैट्रिन को बैठा हूं, और उस समय मेरा वीर्य नाश हो रहा है, तो संडास जाना भी कभी कभी टाल देता है। मतलब ऐसे अलग अलग बीमारियां उसमें होती रहती है कि संडास के समय वीर्य आता, या पेशाब में वीर्य जा रहा है, या सपने में वीर्य जा रहा है। तो उसको मैं, जो लड़का है, तो उसको मैंने पूरा समझ लिया कि भाई
यदि शादी के बाद में वीर्य नाश हुआ तो उसमें कभी भी कमजोरी आती नहीं, उल्टा तो शादी के बाद में लड़के लोग मोटे होते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। जब पत्नी के साथ में रोज वो संभोग करता है, समागम करता है और उसमें वीर्य नाश हो रहा है, तो कोई पत्नी के अंदर में बॉडी में तो कोई जमा नहीं है, वो तो बाहर ही निकलता है। सेक्स के बाद में जब पत्नी जब बाथरूम जाती है तो वीर्य बाहर निकल जाता है, अंदर थोड़ी रहता है। तो यदि सेक्स शादी के बाद में करते हैं तो वो बुरा नहीं है, शादी के बाद में हम सेक्स करते हैं तो उससे कोई कमजोरी आती नहीं, उल्टा शादी के बाद में लोगों का वजन बढ़ता है। तो शादी के पहले यदि वीर्य नाश हुआ तो वो गलत कैसा है, मुझे समझाओ। जब उससे मैंने ऐसी बात किया तो फिर उसको भी वो समझ में आया कि नहीं नहीं ये जो है वो नॉर्मल है, सपने में वीर्य जाना ये कोई बीमारी नहीं है, हाथ से भी किया और हस्तमैथुन किया तो ये कोई बीमारी नहीं है, संडास करने के समय भी समझो वो वीर्य नाश होता है या पेशाब में जाता है तो कोई बीमारी नहीं है, तो इस तरह का वो नॉर्मल है। ऐसा लाड़ जो मुंह में आती है तो जैसा मैंने समझो कोई गरम गरम समोसा या आलू बंडा देखा और मैं बहुत भूखा हूं तो लाल जल्दी आ जाएगी, है ना, उस तरह का है। और लाल मैंने कितनी भी बार मैंने थूक दिया तभी लाल फिर रोज तैयार हो जाती है, और कितनी बार थूका तभी वो रोज तैयार हो जाती है। वैसे ही उसका अपने को मतलब स्टॉक नहीं कर सकते, जितने भी बार वो बाहर जाएगा वीर्य उतना वो नया नया तैयार हो जाता है, और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो मरने तक चालू रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि यदि आज निकल गया, मतलब उनको उनको कैसा लगता है दिमाग में लड़कों को कि समझो आज मेरा वीर्य जा रहा है, बहुत जा रहा है, मैं बहुत लॉस कर रहा हूँ, तो फिर आगे चल के कैसा हूँ, शादी के बाद में कैसा हूँ। तो मैंने उसको ये समझाया कि भाई आपका कितना भी वीर्य नाश हुआ तभी ऐसा कोई नहीं कि वो स्टॉक है, स्टॉक में का रोज खत्म होते जा रहा है, अभी स्टॉक खत्म हो गया तो भी क्या करें, वो उसका स्टॉक करते नहीं आता, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कभी बंद नहीं होती, नॉर्मल है। और उसमें आप कितना भी वीर्य नाश हुआ, कितने भी बार हस्तमैथुन किया तो उससे कोई होने वाला नहीं है। ऐसा जब मैंने उसको पावरफुली उसको समझा दिया, उसको आकृति निकाल के उसको बताया कि वीर्य कहाँ तैयार होता है, वहां से उसका जो सफर है वो कहाँ जाता है, वहां जाने के बाद में वो बाहर कैसे आता है, ऐसा पूरा उसको काउंसलिंग जब किया तब उसको समझ में आया और वो बहुत खुशी से मेरे यहाँ से गया। और कुछ दिन के बाद में फिर आया, बोले मेरी शादी तय हो चुकी है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे विश्वास है कि शादी के बाद में भी मैं अच्छी तरह मेरा जो सेक्सुअल लाइफ है बिता पाऊंगा। तो आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं, मतलब उसको लाइक कर सकते हैं, या आप मतलब ये जो वीडियो है ये भी आप सब्सक्राइब करके उसको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।